हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा एक बहुत बड़ी एक न्यूज़ जो कि आया है IRB ग्रुप डी रिजल्ट के जो न्यूज़ है उसकी तरफ से। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हिंदुस्तान लाइव हिंदुस्तान के ऑफिशियल पेज में इसका जो डिटेल्स है यहाँ पे दिया गया है, जिसको मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली बता दूंगा कि आज का जो IRB के ग्रुप डी के जो डिटेल्स दिया हुआ है रिजल्ट के वो क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं IRB ग्रुप डी रिजल्ट आंसर की अपडेट कैन बी इशू टुमारो IRB ग्रुप डी आंसर की। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पोस्ट हुआ है 10 जनवरी 2019 में, उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे बोला गया है IRB ग्रुप डी आंसर की रिजल्ट लेटेस्ट अपडेट 2018 वेटिंग टाइम फॉर द IRB ग्रुप डी कैंडिडेट इज अबाउट द एंड। तो दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि जो लोग वेट कर रहे थे रिजल्ट के लिए, उसका जो वेटिंग टाइम है वो अभी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जल्दी आपका जो रिजल्ट है आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को बता देता हूँ कि उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि द आंसर की मे बी इशूड टुमारो फॉर IRB ग्रुप डी एग्ज़ाम अबाउट 15 डेज आफ्टर रिलीज ऑफ द आंसर की द रिजल्ट विल बी ऑल्सो डिक्लेयर। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बता दिया गया है कि आंसर की आपको 15 डेज पहले आपको मिल जाएगा, जिसके बाद ही आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, आपको आंसर की के 15 डेज के बाद ही आपको यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि क्या यहाँ पे बोला है जो मैनी इमीडिएट्स हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर PET एग्ज़ाम राइट नाउ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो लोग अभी भी PET या फिजिकल जो टेस्ट है उनके लिए यहाँ पे अभी तक आप लोग जो कि प्रैक्टिस नहीं करना शुरू करिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग अभी के अभी आप लोग शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद ही आपका जो प्रैक्टिस है उसका टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो उसके बाद ही जो लोग प्रैक्टिस अभी तक कर रहे हैं, उन लोग यहाँ पर बाजी मत करके चला जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को इसलिए बता देता हूँ कि आपका जो रिजल्ट है आपका जनवरी के लास्ट वीक या फेब्रुआरी के फर्स्ट वीक में आपका जो रिजल्ट या आंसर किया है आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, और भी बहुत कुछ यहाँ पे बोला गया है, जिसको मैं डिटेल्स में यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स द रेलवे ग्रुप डी आंसर की विल बी रिलीज ऑन January 11। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आंसर आपका जो ग्रुप डी के आंसर की है आपको 11 जनवरी मतलब आज ही आपको यहाँ पे रिलीज़ होने वाला है। इसके साथ साथ आप लोगों को बता देता बोला गया कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कंडक्टेड CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप डी पोस्ट फ्रॉम 17 सितंबर 2018 टू 17 दिसंबर 2018। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट IRB ऑफिसर अंगराज मोहन हैज टोल्ड दैट द आंसर की IRB ग्रुप डी रिक्रूटमेंट टेस्ट कैन बी इशूड ऑन January 11। तो दोस्तों, यहाँ पे अंगराज मोहन जो है यहाँ पे ऑफिशियली यहाँ पे बोला गया है कि 11 जनवरी में आपका जो आंसर की आपको मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे और कुछ बोला गया है कि यहाँ पे जैसे कि बोला गया है कि कैंडिडेट कैन ऑल्सो रजिस्टर देयर ओन ऑब्जेक्शन टू द आंसर टू एनी क्वेश्चन फॉर दिस ही विल गिवन 7 डेज टाइम। तो दोस्तों, आंसर की मिल जाने के बाद ही आप लोग आपका जो भी क्वेश्चन है, आपका जो भी ऑब्जेक्शन है, आप लोग कर सकते हैं। 7 डेज के टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर अंदर आपको यहाँ पे उसका जो ऑब्जेक्शन है, आपके जो भी ऑब्जेक्शन है आपका आंसर की लेके आप लोग वहाँ से आप लोग बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे बोला गया कि द ऑफिशियल ऑल्सो सेड दैट IRB ग्रुप डी रिजल्ट कैन बी इशूड इन फेब्रुआरी। कैंडिडेट कैन गो देयर गो टू द RBI वेबसाइट एंड चेक देयर अन विद द हेल्प ऑफ देयर यूज़र ID एंड डेट ऑफ बर्थ। तो दोस्तों, जो लोग चेक करना चाहते हैं आपका जो आपका ग्रुप डी के रिजल्ट, आप लोग रिजल्ट चेक करने के लिए आपका ऑफिशियली जो पेज है IRB के, आपको वहाँ पे जाना होगा। उसके बाद आपका जो यूज़र ID एंड आपका डेट ऑफ बर्थ है आपको वहाँ पे देना होगा। उसके बाद ही आप यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे बोला गया कि द एग्जामिनेशन ऑफ रेलवे ग्रुप डी स्टार्टेड फ्रॉम 17 सितंबर एंड टिल December 17। 1.89 करोड़ कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द 63,000 पोस्ट।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला गया है नाउ ऑल दिस कैंडिडेट आर वेटिंग फॉर द रिप्लाई ऑफ सीबीटी एग्जाम एंड रिजल्ट ऑफ द सीबीटी एग्जाम इन वेरियस सेंटर ऑफ द कंट्री फॉर 3 मंथ। कैंडिडेट हु आर नियर आरआरबी ग्रुप डी विल बी कॉल्ड इन पीईटी की एग्जामिनेशन। द शेड्यूल ऑफ पीईटी एग्जाम विल बी रिलीज आफ्टर द रिजल्ट। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि आपका जो रिजल्ट है उसके बाद ही आपका पीईटी के जो टेस्ट है आपको वो देने वाला वो आपको देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो लोग यहाँ पे रिजल्ट के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं उसके साथ साथ आपका जो प्रैक्टिस है पीईटी के एग्ज़ाम के लिए वो नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों आप लोग वेट करें बट आपका जो फिज़िकल टेस्ट होने वाला है उसका प्रैक्टिस भी आप लोग चालू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कई बहुत जल्दी आपका जो रिजल्ट है आपको मिल सकता है। उसके साथ साथ आपको जब प्रैक्टिस का टाइम भी आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अभी से आप लोग प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, उसके बाद ही आपको यहाँ पर आप सफल हो सकते हैं, आपका जो क्वालिफाई कर सकते हैं पीईटी एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। अगर और कोई जो कि आरआरबी के रिलेटेड कोई भी आपका जो डिटेल्स है या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं उसका भी वीडियो बना के आप लोगों को साथ शेयर करूंगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले मेरे इस चैनल को। थैंक यू फ्रेंड।